स्पैम कॉल पर लग सकती है लगाम। सोमवार को ट्राई ने एक अहम बैठक बुलाई है, तो एजेंडा क्या रहने वाला है इस बैठक का, क्या छुटकारा मिलेगा स्पैम कॉल से, इस प्लान को जरा अच्छे से समझते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, जरा समझना आपसे चाहेंगे, ये ट्राई ने सोमवार को जो बैठक बुलाई है, स्पैम कॉल को लेकर लगातार लोगों में परेशानी बनी हुई है, लगाम लगाने के लिए क्या है प्लान, बैठक का एजेंडा क्या? देखिए साथ ही इसके पहले ट्राई ने ऑलरेडी 3 बैठकें कर ली हैं। इसके अलावा एक बैठक ऐसी भी थी जिसमें KMHA, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इसके अलावा सभी स्टेक होल्डर्स, सेबी, RBI, ये सब भी थे। और इस बैठक का सबसे जो क्रक्स था वो ये था कि जितने भी इस तरह के फर्जीवाड़े होते हैं डिजिटली, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो होता है स्पैम कॉल्स या फिर स्पैम मैसेजेस का। और ट्राई इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कल की जो बैठक उसने बुलाई है उसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे, और उस बैठक में साफ सुझाया जाएगा उपाय कि अगर हमको इस SMS पे रोक लगानी है तो उसके लिए क्या उपाय सुझाने हैं, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करना है, किस तरह से सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करके हम सिम कार्ड को और ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, किस तरह से बाकी जो अन्य टेक्नोलॉजीज हैं जो कि दुनिया भर में इस समय अवेलेबल हैं और कई सारे कंपनी जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम कैसे स्पैम कॉल्स को रोक सकते हैं, और किस तरह से re-KYC करके हम ऐसी कॉल्स को आने से रोक सकते हैं जिस जो कि फर्जी तरीके से किसी और के नाम या फिर किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर इसका इस्तेमाल करके इशू कराई गई है। इसको लेकर एक बड़ी चर्चा होगी और शाम तक ये सारे जो उपाय हैं जिस पे कि फाइनल होता है वो सारे उपाय जो है स्टेक होल्डर्स को बताए भी जाएंगे ताकि आने वाले दिनों में उसके लागू होने की जो पूरी रूपरेखा है वो तय की जा सके। कुल मिलाकर कल की जो बैठक है बेहद अहम है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स को ये सुझाया जाएगा कि इन सब पे रोक लगाने का असली फॉर्मूला क्या होगा। तो कल की बैठक पर नजर अहम रहेगी, लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी ये पूरा इशू लोगों के लिए भी स्पैम कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए जो ट्राई ने सोमवार को बैठक बुलाई है। क्या इस बैठक का निष्कर्ष निकलता है, क्या प्लान निकल कर आता है, इस पर भी आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अमरीश, फिलहाल शुक्रिया।